हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर आपके सामने जीएस पेपर वन और हिस्ट्री के लिए नवपाषाण काल के बारे में मैं बताने आई हूँ। हिस्ट्री को बहुत ही इजी वे में समझाते हुए आज मैं मैप के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को हिस्ट्री बताऊँगी कि नवपाषाण काल में क्या क्या वेपन्स थे, किस हिसाब से लोग रहते थे और जीविका निर्वाह करते थे, क्या आर्थिक व्यवस्था थी वहाँ की। तो ये सब के बारे में आज हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर के बाद ये आपका पूरा जो टॉपिक चल रहा था पॉइंट टू इतिहास का, ये कवर हो जाएगा। मतलब कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसमें पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल और नव पाषाणकाल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उसके बाद का जो प्राचीन भारत में आता है, एक एक चीज़ डिटेल में करेंगे, कौन कब कहाँ सब कुछ इसके बारे में जानेंगे और विथ मैप जानेंगे, विथ पिक्चर्स जानेंगे, ताकि आपको बहुत ही इजी वे में हिस्ट्री समझ में आ जाए। और जो इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के तौर पर दे दिया जा चुका है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की और वीडियोज़ मेरे चैनल पर बहुत सारी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। चाहे वो आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस हमारे चैनल पे हैं आपके लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम नवपाषाण काल। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया था, और यह लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी हमारे सक्सेस मंच पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। आप हमें ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हमने देखा था लास्ट में प्राचीन भारत के इतिहास को तीन कालों में डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इन तीनों कालों के बारे में डिटेल में हमने बात की थी। पूरा पाषाण काल हम पहले ही देख चुके थे, मध्य पाषाण काल भी देख चुके थे, आज जो हम बात करेंगे वो नव पाषाण काल की करेंगे। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये डिटेल दी हुई थी जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। काफ़ी सारी चीज़ देखी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे लोग जीविका निर्वाह करते थे, किस टाइप के वेपन्स होते थे, किस तरह लोग अपने जो मृतक होते थे उन्हें दफनाते थे या फिर गाड़ते थे, क्या करते थे, ये सब देखा था, महत्वपूर्ण स्थल देखे थे। तो आज हम करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो कि मेजर इसका टाइम लिमिट है वो कही गई है 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की। इस टाइम में कई जगह गैप भी है, कहीं 9000 से दिया हुआ है 2000 तक, कहीं कुछ दिया हुआ है। ये टाइम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में अलग अलग टाइम में अलग अलग खुदाई हुई और अलग अलग टाइम में ये नवपाषाण काल के बारे में पता चला। जैसे कि यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, दक्षिण भारत में सभ्यता की संभावित तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। मतलब कि इस 2500 ईसा पूर्व से पहले नवपाषाण की बस्तियाँ दक्षिण भारत में नहीं पाई गई, लेकिन उत्तर भारत में 2500 ईसा पूर्व से पहले भी नवपाषाण काल की बस्तियाँ पाई गई हैं। तो इसीलिए इसका जो डिवीज़न है वो 7000 से 1000 के बीच में किया गया है। काफ़ी गैप है, लेकिन फिर भी जैसे कि इतिहासकारों को जैसे जैसे तथ्य प्राप्त होते गए वैसे वैसे उन लोगों ने उनका डिवीज़न किया। अब इसमें थोड़ी सी और मेजर बात यह है कि भारत में जो नवपाषाण काल संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर उन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग हैं उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र जो कि भारत का मध्य प्रदेश का हिस्सा ऑलमोस्ट आता है इसमें, विंध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के हिस्से में विंध्य क्षेत्र आता है। ऐसे ही दक्षिण भारत, मध्य गंगा घाटी और मध्य पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत। ये जो मैंने 6 क्षेत्र बताए, इन 6 क्षेत्रों से अनेक पॉलिस्टार औजार प्राप्त हुए हैं। ऐसे नवपाषाणकालीन पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। ये जो पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ पॉलिस्टार पाषाण उपकरण इसमें विशेषकर कुल्हाड़ियों का जो निर्माण था वो था इसमें। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया। मतलब कि नवपाषाण काल में जो कृषि शुरू हुई,
तो उससे क्रांति आ गई। क्रांति आ गई इस तौर पे कि लोग स्थायी रूप से रहने लगे, खाद्य को इकट्ठा करने लगे, खाद्यान्न को, और जो पहले घुमंतू प्रवृत्ति थी वो उन लोगों ने छोड़ दी थी, इसीलिए इसे क्रांति का काल कहा जाता है। और इसमें एक मेन जो बात है वो मैं बता दूँ कि विल डूरेंट के शब्दों में उन्होंने कहा है, विल डूरेंट नाम याद रखिएगा, दोबारा बताती हूँ, विल डूरेंट ने कहा है कि समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से दो क्रांतियों पर आधारित था। पूरा मानव इतिहास नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक की कृषि से उद्योगों में संचरण। तो जो पहला पार्ट है वो हमारा अभी हम पढ़ रहे हैं, और आधुनिक कृषि से उद्योगों में संचरण वो आधुनिक भारत में और मध्यकालीन भारत में कुछ हद तक इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो विल डूरेंट ने कहा था कि जो पूरे मानव इतिहास में दो तरह की क्रांतियाँ हुई थी। तो जो हम अब पढ़ेंगे वो नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचरण, मतलब कि नवपाषाण काल में आते आते लोग कृषि पर निर्भर हो चुके थे, कृषि करना उन्हें आ गया था। अब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिली है इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक प्राचीनतम साक्ष्य मैं बता दूँ कि प्राचीनतम बस्ती जो मिली है ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीनतम बस्ती नवपाषाण काल की कहाँ प्राप्त हुई है, तो वो मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है। चलिए आगे बात करते हैं औजारों की। यहाँ पे जो औजार थे आपको ऑब्वियस पता होगा कि जो पुरापाषाण काल में औजार यूज होते थे और मध्यपाषाण काल में औजार यूज होते थे उससे उन्नत किस्म के औजार नवपाषाण काल में यूज होंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में भी चेंजेस आ चुका था। तो पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियार यूज होते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसमें कितनी शाइनिंग है, चमक है इसमें, इस टाइप के पत्थरों में इसको परिष्कृत करके पूरा अच्छे से पॉलिश करके बनाया गया है। ये इस टाइप से लोगों ने रस्सियाँ बांध के कुल्हाड़ी बनाई है, और यहाँ देखिए ये कितनी नोक टाइप में बनाई हुई है, कितनी धार, ये सिलबट्टा टाइप में जिसमें हम लोग यहाँ पे अनाज पीस सकते हैं इस टाइप में। तो इस टाइप में औजार प्राप्त हुए नवपाषाण काल में। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कितने अच्छे से कुल्हाड़ी को रस्सी में लपेट के बांधा गया है, और कितने अच्छे से कुल्हाड़ी बनाई गई जिससे कृषि का काम बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इस टाइप के औजार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, काफ़ी सिलबट्टा भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और ऐसे जो हाथ से औजार पकड़ के बनाते थे मध्यपाषाण काल में, अब उसी का काम लकड़ी में बांध के उसे कुल्हाड़ी के तौर पे यूज़ करने लगे हैं, और परिष्कृत रूप में। ऑब्वियस है जब सभ्यता का विकास होगा तो हर एक चीज़ का विकास होगा, तो औजारों का भी उसी में विकास हुआ है। तो पत्थर के औजार के साथ साथ हड्डियों के भी औजार प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे ट्रैप पत्थर से बनी ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, बांसुरी प्राप्त हुई है, बसुली होगा यहाँ पे, बांसुरी नहीं बसुली, और खुरपी, छेनी, कुदाल, बेधक और गदा शीर्ष, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि पत्थर के साथ साथ हड्डी के जो उपकरण हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। पॉलिस्टार बेधक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाए गए हैं। तो औजार इस टाइप के प्राप्त हुए। आपके जैसे भी आंसर आएगा करने हो, अगर पर्टिकुलर औजारों के बारे में पूछा गया है तो आप औजारों की पहले प्रकृति बताएंगे कैसी है, फिर कौन कौन से औजार है इस टाइप में, और पिक्चर जैसे आपको दिखाई गई है उसके हिसाब से आप अपनी भाषा में इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि नुकीलेदार औजार होते थे, लकड़ियों में बांध के रस्सियों से पत्थरों को उस टाइप से कुल्हाड़ी टाइप में बनाई जाती थी। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको बस दिमाग में समझ में आना चाहिए कि इस टाइप में, मतलब कि नवपाषाण काल में किस टाइप के औजार प्राप्त होते थे। चलिए हम आगे बात करते हैं जीविकोपार्जन कैसे होता था। तो नवपाषाण काल में ऑब्वियस खेती करना लोग सीख चुके थे। खेती किसकी होती थी? खेती होती थी जौ, गेहूं, मटर, मसूर, इन सब के अनाज के दाने प्राप्त हुए, और कहीं कहीं तो चावल के भी दाने प्राप्त हुए। तो इससे पता चलता है चावल की खेती भी शुरू हो गई थी। मिट्टी के बर्तन मिले हैं कई जगह, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब कि उस पर कलर्ड भी किया गया है, इतने परिष्कृत हो चुके थे उस टाइम में। और पशुपालन और शिकार भी, अभी भी शिकार पर लोग निर्भर थे, क्योंकि जो उनका पुराना पेशा था उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा था। तो शिकार तो आज आधुनिक मानव भी शिकार करता है, तो वो चीज़ें कभी नहीं छूटी हैं।
अभी तक वो साथ में चल रही हैं, तो पशुपालन और शिकार तीनों चीज़ें आ गई हैं। एग्ज़ाम में आएगा ये तीनों चारों चीज़ों को आप हेडिंग डालेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे आधा आधा पेज एक एक पेज में, जिस हिसाब से क्वेश्चन के मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। ऑब्वियस है कि नवपाषाण काल संस्कृति जो उनकी पूर्वगामी संस्कृतियाँ थी उनसे काफ़ी अधिक विकसित थी, पुरापाषाण से और मध्यपाषाण काल से। इसमें ना केवल मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन इसका उत्पादक भी बन चुका था, क्योंकि वो खेती करना सीख गया था, कृषि कर्म उसे आ गया था, वह कृषि कर्म से पूर्णतः परिचित हो चुका था। कृषि कर्म के साथ साथ मनुष्यों ने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि हमने अभी बताया गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों से उनका परिचय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन जानवरों को वो पालने लगे थे। और औजारों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि पालिश करना उसे आरंभ कर दिया था औजारों को, और पूरे इंडिया में देश के विभिन्न विभिन्न भागों में पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और इस काल का जो मनुष्य था वो खाना बदोश अथवा घुमक्कड़ नहीं रहा था, अब वो एक जगह पर स्थिर होकर जीवन जीने लगा था, मतलब कि वो अपने घर बनाने लगा था, रहना प्रारंभ उसने कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं। तो स्थल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी स्थल आएंगे वो या तो पर्टिकुलर एक स्थल के बारे में पूछ लेंगे, जैसे कि बुर्ज होम के बारे में पूछ लेंगे कहाँ अवस्थित है और इसके बारे में इसकी विशेषताएं बताएं। जैसे कि बुर्ज होम के बारे में बात करते हैं, तो नवपाषाण काल संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर में आता है ये बुर्ज होम, और ये पुरास्थल है नवपाषाण काल का, और यहाँ पर गुफ कराल नाम का भी एक क्षेत्र आता है। तो बुर्ज होम में जो इसकी खोज की गई थी, इसके बारे में बता दूँ तो ये 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी इसकी खोज, और यहीं पर जो एक स्थान है गुफ कराल, इसकी खुदाई जो की थी 1981 में की थी, एके शर्मा ने करवाई थी। अब ये जो बुर्ज होम में मिले हैं, यहाँ मिले हैं जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि अनाज के दाने मिले हैं। बुर्ज होम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि पूरे भारत में यहीं पर गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं बुर्ज होम में, जो कि कश्मीर में पाया जाता है। ऐसे ही गुफ कराल, ये भी कश्मीर में ही है, यहाँ पर अन्य उपकरणों के साथ सिलबट्टे और हड्डी की बनी सुइयाँ मिली हैं। अनाज पीसने तथा वस्त्र सीने की विधि से भी लोग परिचित थे इस समय, और यहाँ से प्राप्त जो बर्तन हैं वहाँ घड़े, कटोरे, थाली, तस्तरी आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। इसका निर्माण चाक और हाथ दोनों से किया जाता था। आगे हम बात करते हैं जो विंध्य क्षेत्र में एक प्रमुख नवपाषाण काल क्षेत्र है, जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, कोल्डी हवा, ये रहा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। कोल्डी हवा के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या मिला है, और इसके आसपास क्षेत्र है वो है महगड़ा और पंचोह, ये दो क्षेत्र इसके आसपास है, तो इसके बारे में भी हम यही बात करेंगे। यहाँ पे जो खुदाई करवाई गई थी, तो यहाँ ताम्र और लोहपाषाण काल संस्कृतियाँ दोनों प्राप्त हुई हैं, और जो महगड़ा और पंचोह है यहाँ पर नवपाषाण काल के ही अवशेष प्राप्त हुए, मतलब कि कोल्डी हवा से ताम्रपाषाणकालीन और लोहपाषाणकालीन दोनों संस्कृतियाँ यहाँ प्राप्त हुई है। अब यहाँ से जो उपकरण मिले हैं उसके बारे में बता दो, तो यहाँ गोल समानांतर वाली पत्थर की कुल्हाड़ियों की संख्या सबसे अधिक प्राप्त हुई है यहाँ से। अन्य उपकरणों में हथौड़े, छेनी, बसुली आदि थे। स्तंभ गाड़ने के गड्ढे भी मिले हैं, इनसे पता चलता है कि इस काल के लोग लकड़ी के खंभों को जमीन में गाड़कर रहने के लिए गोलाकार झोपड़ियाँ बनाते थे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाथ से बनाए गए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और इन बर्तनों की विशेषता यह है कि इस पे रस्सी की छाप की गई है इन बर्तनों पर, और इसकी बाहरी सतह पर भी रस्सी की छाप लगाई गई है कोल्डी हवा से प्राप्त बर्तनों पर। यहाँ पर खुरदरे और चमकीले बर्तन मिले हैं, बर्तनों में कटोरे, तस्तरी, घड़े ये सब प्राप्त हुए हैं, और कुछ कुछ बर्तनों पे यहाँ पर अलंकरण मतलब की कलाकारी भी की गई है। यहाँ पर और जो चीज़ें मिली हैं, पशुओं में भेड़, बकरी, सुअर, हिरण की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, इससे ये पता चलता है कि ये जानवर यहाँ पाले जाते थे या इनका शिकार किया जाता था। और कोल्डी हवा के उत्खनन में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यहाँ धान की खेती के साक्ष्य मिले, प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिला है धान की खेती का, जो कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व तक था, और
मिट्टी के बर्तनों के, जो मिट्टी के बर्तन थे उनके ठीकरों पर धान के दाने मिले हैं, भूसी मिली है, पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ व्यापक रूप से धान की खेती की जाती थी और अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े और मटके भी कोल्डी हवा एवं महगड़ा से प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने के लिए घड़े और मटके, ये सारी चीज़ें कोल्डी हवा के बारे में थी। आप इसे बार बार सुन के रिवाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य गंगा घाटी, ये मध्य गंगा घाटी पूरी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नवपाषाण काल पुरास्थल था बहुत महत्वपूर्ण, वो है चिरांद। चिरांद जो कि बिहार के छपरा जिले में स्थित है, इसकी लोकेलिटी में मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर स्थित है। और यहाँ से जो उत्खनन हुआ है, यहाँ ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ के उपकरण में पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी और सींग के बने हुए छेनी, बर्मा, बाल, कुदाल, सुई, चूड़ी यहाँ से मिली है हम लोगों को। घड़े, कटोरे, टोटी वाले बर्तन, तसले और मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो भी झोपड़ियाँ, मतलब रहने के लिए जो चीज़ें मिली हैं, उससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे तथा धान, मसूर, मूंग, गेहूं, जौ आदि की यहाँ लोग खेती करना जानते थे। इसके अलावा गाय, बैल, हाथी, बारह सिंघा, हिरण, गेंडा आदि पशुओं का इन लोगों को परिचय था। यहाँ या तो शिकार करते थे और या फिर उनका पशुपालन करते थे, जो जो मैंने अभी जानवरों के नाम बताए उनका। कुछ हड्डियाँ भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। ये तो थी चिरांद के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं मेहरगढ़ के बारे में जानकारी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीनतम स्थल है। और यहाँ पर जो इसकी तिथि बताई गई है, ये बताई गई 7000 ईसा पूर्व, तभी ये सबसे प्राचीनतम, तो ये 7000 के पूर्व मानी गई है। ये मेहरगढ़ की बात करें, अब यहाँ लोकेशन से आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान में जो पड़ता है, ये जगह का नाम है बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान की ये पड़ता है ये। और यहाँ से सेम वही चीज़ है जो नवपाषाण काल में हर जगह प्राप्त हुई है, ये बस मतलब ये थोड़ा सा प्राचीन था। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छे और नक्काशीदार बर्तन मिले हैं, तो यहाँ थोड़ा कच्ची मिट्टी की चीज़ें पाई गई हैं, जैसे कि यहाँ कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे और यहाँ पर सान पत्थर, पालतू जानवरों की हड्डियाँ। और मेहरगढ़ का ये जो ताम्रपाषाण काल का दूसरा स्तर था, मतलब मध्य पाषाण काल, तो यहाँ पर इसके संबंधित साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग तांबे से भी परिचित थे और मिट्टी के बर्तन से यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर। ये देखिए दाऊजली हेडिंग, ये भी एक जगह है जो कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो यहाँ पर भी बहुत ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कि नवपाषाण काल के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऐसे ही उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से भी नवपाषाण काल के कई पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। और इस यहाँ पर खुदाइयों से अनेक उपकरण, मृदभांड, उपकरण तो सेम टाइप में ही होंगे, थोड़ा सा जैसे कि नक्काशी में फ़र्क होगा और इस टाइप में, लेकिन नवपाषाण काल में हर जगह उपकरण की जो क्वालिटी है वो चेंज हो गई है, ये हर जगह सेम ही होगा। तो जैसे मैं बता दूँ, आंध्र प्रदेश में जगहों के नाम बता दूँ, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनीकोंड, उतनूर, फलवाए, सिंगलपल्ली और पयमपल्ली जो है तमिलनाडु का एक प्रमुख स्थल है। और ये सभी जो स्थल हैं वो कावेरी तथा कृष्णा नदियों की घाटियों में बसे हुए हैं। ऐसे ही कर्नाटक में जो मिला है वो है मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल और टेक्कल कोट, ये जगह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही उत्तर भारत में भी पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और स्लेटी या काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हड्डी से बने हुए उपकरण मिले हैं यहाँ पर। और इस काल के निवासी भी कृषि और पशुपालन से पूर्णतः परिचित थे, मतलब सेम वही जो उत्तर भारत में वही दक्षिण भारत में, बस दक्षिण भारत में ये जो नवपाषाण काल था वो थोड़ा लेट आया है और उत्तर भारत में पहले आ चुका था। यहाँ मिट्टी के सरकंडे की सहायता से अपने निवास के लिए लोग गोलाकार और चौकोर घर बनाते थे, हाथ व चाक दोनों से ही मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते थे और बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। यहाँ खुदाई में घड़ी, तस्तरे, कटोरे आदि भी मिले हैं और कुथली, रांगी, चना, मूंग आदि अनाजों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि पालतू पशु थे।
तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि दक्षिण भारत के जो नवपाषाण काल सभ्यता की जो संभावित तिथि है वो 2500 से 1000 के बीच में निर्धारित की गई थी। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ये थे हमारे प्रमुख स्थल। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। सबसे पहले वस्त्रों की बात करते हैं, तो इस काल में लोग पशुओं के चर्म भी यूज़ करते थे, लेकिन कपास का उत्पादन भी होने लगा था। लोग कपास से बनाकर वस्त्र यूज़ करने लगे थे प्रॉपर, जैसे आधुनिक मनुष्य पहनता है वैसे तो वस्त्र नहीं थे, लेकिन हाथ तन ढकने के लिए वो लोग सूती वस्त्रों का उपयोग करने लगे थे। और वस्त्रों के कई कई नाम भी वो लोग रख चुके थे, जैसे कि नेवी होता था, और ये तो वैसे सिंधु घाटी में यूज़ होता था, लेकिन नवपाषाण काल के एंड आते आते ये वस्त्र टाइप में यूज़ करने लगे थे। नेक्स्ट आवास या मकान की बात करते हैं, तो हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कई जगह ऐसे गड्ढे टाइप में मिले हैं कि उसमें जैसे लगता था कि बांस गाड़ के और उसके ऊपर गोलाकार या चकोल झोपड़ियाँ बना के लोग निवास करते थे, स्थायी मकान होने लगे थे, अब घुमंतु प्रवृत्ति नहीं रह गई थी। इसी तरह दक्षिण भारत में जैसे हमने अभी बात की तो गोलाकार और चौकोर घर बनाए जाते थे। हाँ, ये था कि पक्के मकान नहीं थे, नीचे की दीवारें कच्ची होती थी जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और ऊपर घास फूस टाइप में रखा जाता था। ये चाहे वो गोलाकार हो सकता था, चौकोर हो सकते थे, इस टाइप में। शवाधान के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो शवाधान मिले हैं वही मिले हैं कि यहाँ गाड़ा जाता था, जलाया नहीं जाता था, अभी भी मृतकों को गाड़ दिया जाता था। और कहीं कहीं तो युग्म समाधियाँ भी मिली हैं, मतलब कि दो लोगों को एक साथ गाड़ने की साक्ष्य भी मिले हैं। और कहीं कहीं तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने की प्रथा थी। और नवपाषाण काल की जो ये जो कुत्तों उत्तों को दफनाने की प्रथा थी, ये नवपाषाण काल के अलावा भारत में कहीं भी और प्रचलित नहीं थी इस प्रकार की प्रथा। तो इससे ये पता चलता है, जैसे कि मध्यपाषाण काल में भी इसी टाइप की चीज़ें प्राप्त हुई थी, इससे ये पता चलता है कि ये लोग लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे। आभूषण भी मिले हैं शवों के साथ दफनाए जाने के बाद, बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के औजार मिले हैं, तो इससे पता चलता था कि दूसरी दुनिया में भी ये लोग विश्वास करते थे। तो ये चीज़ों के बारे में आप समझ में आ चुका होगा आपको। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नवपाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी हम दे चुके हैं आपको, तो इसका PDF मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटों बाद ही। तो आप आगे इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और सिंधु घाटी सभ्यता और बाकी आखिरी सभ्यताओं के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।